हमारा विषय है विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय एक। तो अध्याय एक में क्या है, जैव विविधता एवं वर्गीकरण। अब जैव विविधता होता क्या है, तो जैव विविधता क्या होता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम अपने आसपास देखें तो हमें कई प्रकार के जीवों के समूह दिखाई देते हैं। मतलब हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर हमें कई प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। जैसे कि मानव तो रहेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ में हमें कई प्रकार के जानवर, कीड़े मकोड़े, कुत्ता, बिल्ली, गाय, सबको, सभी प्रकार के जीव क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, है ना। और वो कैसे दिखाई देते हैं, समूह में होते हैं। तो इन जीव समूहों के सदस्यों में क्या पाई जाती है, भिन्नताएँ पाई जाती हैं। जैसे कि और भिन्नताएं भी तो पाई जाती हैं, और क्या पाई जाती हैं, समानताएं पाई जाती हैं। जैसे कि घोड़ा, बिल्ली, कुत्ते आदि जानवरों के समूह को दर्शाते हैं, तथा नीम, बरगद, जामुन, अनार आदि पेड़ पौधे के समूहों को दर्शाते हैं। मतलब जो घोड़े, बिल्ली, कुत्ते, है ना, जितने भी जानवर हैं वो किसको दर्शाते हैं, जानवरों के समूह को दर्शाते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं, जैसे कि नीम, बरगद, जामुन, अनार, है ना, ये सभी किसके समूह को दर्शाते हैं, तो पेड़ पौधों के समूहों को दर्शाते हैं। तो हमारे आसपास क्या होता है, एक तो पेड़ पौधों का अलग समूह पाया जाता है, है ना, और जीव जंतु जानवरों का अलग समूह पाया जाता है। तो ये क्या होता है, समूह होता है, और दोनों ही जीव हैं, लेकिन समूह क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हम जैव विविधता किसको बोलेंगे, कि एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के समूह को, जिनमें क्या पाई जाती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि अलग अलग जीव, जैसे कि वहाँ पर गाय भी हैं, गायों का समूह है, कुत्तों का समूह है, वहाँ पर पेड़ पौधों का भी अलग एक समूह है, जानवरों का अलग समूह है, जीवों का एक अलग समूह है। तो इन सब में क्या पाई जाती हैं, विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। तो इन्हीं विभिन्नताओं को बोला जाता है जैव विविधता। यदि हम एक शब्द में बात करेंगे कि जैव विविधता क्या है, तो क्या होता है, जीवों में विविधता। जैव विविधता क्या होता है, जीवों में विविधता। मतलब जीवों में एक निश्चित क्षेत्र में, मतलब एक एरिया होगा, वहाँ पर जो अलग अलग जीव होंगे उनमें जो विभिन्नताएं पाई जाएंगी, उन्हीं को बोलते हैं जैव विविधता। अब देखते हैं कि समूहीकरण एवं वर्गीकरण के पूर्व प्रयास। मतलब क्या था, कि हमारे आसपास क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे करोड़ों जीव जंतु पाए जाते हैं। तो जो उन करोड़ों जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उनको हम पहचान करेंगे। तो उनकी पहचान करने के लिए हमें क्या होगी, बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि जब चीज़ें ज़्यादा होंगी या जीव जंतु ज़्यादा होंगे, तब हम उन्हें पहचान करने में क्या होगी, हमको कठिनाई होगी। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या किया, कि उनको एक समूह में बांट दिया और उनका वर्गीकरण कर दिया, जिससे क्या हुआ कि हमको जीवों को पहचानने में क्या होने लगी, सुविधा होने लगी। तो इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या किया, प्रयास किया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक अरस्तु नामक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने क्या किया, जीवों को उनके आवास के आधार पर समूहीकृत करने का प्रयास किया। मतलब उन्होंने क्या किया, आवास के आधार पर, मतलब जैसे कि जल में रहने वाले जीवों को एक अलग समूहों में बांट दिया, तो हम पहचान सकते हैं कि वो जलीय जीव हैं। वैसे उन्होंने क्या किया कि वायु में रहने वाले जीव, जैसे कि जो उड़ने वाले जीव हैं, है ना, तो उनको एक अलग समूह में बांट दिया। थल में रहने वाले जीवों को अलग समूह में बांट दिया। तो उन्होंने क्या किया कि उनके आवास के आधार पर उन्होंने जीवों को क्या किया, बांट दिया। अब ये तो हो गया अरस्तु का प्रयास। तो अरस्तु ने क्या किया था, आवास के आधार पर जीवों को बांटा, है ना। अब क्या हुआ कि जो अरस्तु के बाद जीवों के वर्गीकरण के और भी प्रयास होंगे, परंतु हमको ज़्यादा उनके बारे में पता नहीं चलता। लेकिन जो एक और वैज्ञानिक है, अरस्तु के बाद एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था जॉन रे, उन्होंने 1686 में क्या किया, पौधों के बाह्य लक्षणों को आधार बनाया, है ना। मतलब उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने पौधों का वर्गीकरण किया या उनको समूहीकृत किया, तो पौधों का वर्गीकरण करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जीव जंतुओं के बाह्य लक्षणों को उन्होंने आधार बनाया। मतलब उनके बाह्य लक्षणों को देखकर क्या कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं करके इन्होंने बताया।
लेकिन इनका भी जो प्रयास था वो ज़्यादा सराहनीय नहीं रहा। फिर जॉनरे के बाद कौन आया, कैरोलस लीनियस आए। तो इन्होंने क्या किया, दुनिया भर के तमाम पौधों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। लीनियस ने सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया कि कुछ विशिष्ट गुणों जैसे कि फूलों में नर व मादा अंगों की उपस्थिति व संख्या के आधार पर एक सरल वर्गीकरण दिया। मतलब जॉनरे ने क्या किया कि पौधों को उनके बाहरी रूप से देखकर हम पहचान लेंगे कि हाँ, यदि वो इस टाइप का आकार का है तो वो ये पौधा है, अगर वो दूसरे आकार का रहेगा तो वो दूसरा पौधा है, इस प्रकार हम पहचानेंगे। लेकिन कैरोलस लीनियस ने क्या किया कि फूलों के नर व मादा अंग, फूलों में नर और मादा दोनों होता है ना, तो उनकी उपस्थिति व संख्या के आधार पर उन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया। इसे लैंगिक वर्गीकरण कहते हैं। किसको लैंगिक वर्गीकरण कहते हैं, कि जो कैरोलस लीनियस ने फूलों में नर व मादा अंगों की उपस्थिति व संख्या के आधार पर क्या किया, वर्गीकरण दिया। कि यदि कुछ फूलों में अलग संख्याएं होंगी मादा अंगों की, जनन अंगों की, मतलब जो जनन अंग होते हैं नर और मादा, तो उनकी संख्या के अनुसार हम पौधों को पहचान सकते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, लैंगिक वर्गीकरण कहते हैं। और इन सभी बातों का मतलब जो विवरण है ना, तो कैरोलस लीनियस ने इन सभी बातों का विवरण एक पुस्तक में लिखा। मतलब जो वह पुस्तक उनके द्वारा प्रकाशित हुआ था, उसका नाम रखा गया था सिस्टेमा नेचुरे। मतलब जो कैरोलस लीनियस द्वारा बनाया गया एक पुस्तक था जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे, उसमें इन्होंने इन सभी चीज़ों के बारे में लिखा था। उसके बाद कैरोलस लीनियस ने क्या किया, सजीवों में भी वर्गीकरण करने का प्रयास किया, और उनका यह प्रकार जो प्रयास था वो क्या था, सराहनीय था। इसीलिए जो कैरोलस लीनियस हैं उनको वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है वर्गीकरण का जनक, क्योंकि कैरोलस लीनियस ने जो वर्गीकरण किया वह सफलतापूर्वक रहा और सराहनीय रहा। तो उन्होंने क्या किया कि संपूर्ण जीव जगत को दो जगत में बांट दिया, एक तो बांटा पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। मतलब जितने भी पेड़ पौधे थे उनको किस जगत में रख दिया, पादप जगत में रख दिया, और जितने भी जीव जंतु हैं है ना, उनको जंतु जगत में रख दिया। तो कैरोलस लीनियस का ये जो दो भाग था, यही क्या कहा, यही जो था वो सराहनीय था, और यही आगे चलकर इसी वर्गीकरण का उपयोग करने लगे। इसीलिए कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। तो उन्होंने जो जितने संपूर्ण जगत को दो भागों में बांटा, पादप जगत और जंतु जगत, तो कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण में सबसे पहले पदानुक्रम शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया, पदानुक्रम। मतलब एक क्रम में हम जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं, ऐसा किसने कहा, कैरोलस लीनियस ने कहा। तो पदानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके गुणों और विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला मतलब क्रम में, लाइन से, निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न समूहों में व्यवस्थित किया जा सकता है। क्या कहा उन्होंने, कि ऐसा वर्गीकरण कहा जिसमें पदानुक्रम हो। तो पदानुक्रम क्या होता है, तो पदानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके गुणों और विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न समूहों में व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके द्वारा हम जीवों को व्यवस्थित कर सकते हैं, तो उनके गुणों और विकास के आधार पर, कि जीवों का गुण कैसा है और उनका विकास कैसा है, उनके आधार पर हम उसको एक श्रृंखला में बांट सकते हैं। तो हम उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे कि मनुष्य का देखते हैं है ना, तो जैसे कि अगर हम मनुष्य का वर्गीकरण करेंगे तो कैसे वर्गीकरण करेंगे, तो एक पहले क्या दिया उन्होंने, पदानुक्रम। तो हम मनुष्य का पदानुक्रम देखते हैं, तो यहाँ पर कैसे होगा, सबसे पहले पदानुक्रम में क्या लिया जाता है, तो जगत को सबसे पहले लिखा जाता है, जगत के बाद लिखते हैं संघ, और संघ के बाद लिखते हैं वर्ग, और वर्ग के बाद आता है गण, गण के बाद आता है कुल, कुल के बाद आता है वंश, और वंश के बाद आता है जाति। तो इस प्रकार से पदानुक्रम होता है। तो सबसे पहले क्या आता है, जगत, जगत के बाद आता है संघ, संघ के बाद आता है उसके मतलब वर्ग, और वर्ग के बाद आता है गण, ये चौथा नंबर का है, गण के बाद आता है कुल,
कुल के बाद आता है वंश, उसके बाद आती है जाति। तो इस पदानुक्रम का जो सीरीज है वो बदलता नहीं है, इसी सीरीज में वो चलता है, है ना। तो इसको याद करना पड़ेगा। तो ये हो गया पदानुक्रम का सीरीज। इसमें देखते हैं कि जब मनुष्य का पदानुक्रम में जो पहला नंबर में कौन आता है, जगत आता है। तो जो मनुष्य का जगत है वो किस जगत में रखा गया है उनको, तो जंतु जगत तो है, है ना। इसको क्या बोलते हैं, जंतु जगत, क्योंकि मनुष्य क्या है, जंतु है, तो इसको जंतु जगत में रखा गया है। अब इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं एनिमेलिया। अब एनिमेलिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो मानव होते हैं वो बहुकोशिकी होते हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक होता है, मतलब जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। और अंतर्ग्रहण पोषण विधि होती है, मतलब पाचन के लिए हमारे विशिष्ट अंग पाए जाते हैं, इसी कारण से इनको जंतु जगत में रखा गया है। मनुष्य का संघ क्या होगा, तो कॉर्डेटा, मतलब कॉर्डेटा का मतलब होता है कि जिसमें कशेरुकी दंड या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और जोड़ीदार उपांग, मतलब जोड़े में हमारे हाथ हैं, जोड़े में हमारे पैर हैं, इसीलिए मानव को कौन से संघ में रखा गया है, कॉर्डेटा में। अब जितने भी जानवरों में कशेरुकी दंड पाया जाएगा, है ना, जोड़ीदार उपांग पाए जाएंगे, मतलब यदि उनमें हाथ पैर पाया जाएगा तो वो कौन से संघ में होगा, कॉर्डेटा। इस प्रकार से उन्होंने वर्गीकरण किया। मनुष्य का वर्ग कौन सा होगा, कि वो कौन से क्लास में आते हैं, तो मेमेलिया। मेमेलिया का मतलब होता है स्तनधारी, कि वो बच्चे देने वाले हैं कि अंडे देने वाले हैं। तो स्तनधारी का मतलब होता है कि वो बच्चे देने वाले होते हैं, उनमें बाह्यकड़ उपस्थित होता है। तो जितने भी जीवों के बाह्यकड़ होंगे, मतलब जो कान के जो बाहर हम लोग का पिन्ना रहता है ना, उसको बाह्यकड़ बोलते हैं। तो बाह्यकड़ होगा और जो बच्चे देने वाले होंगे वो सभी किस वर्ग में आएंगे, तो वो स्तनधारी में आते हैं, है ना। तो ये तीन क्रम हो गया मानव का। अब आगे है गण। तो मानव कौन से गण में रहता है, तो उसको बोल, वो कौन से गण में रहता है, तो प्राइमेट्स में रहता है। प्राइमेट्स का मतलब होता है कि अंगूठे की स्थिति विपरीत होगी, मतलब हमारा जो अंगूठा रहेगा, ये देखो ऐसे विपरीत हो रहा है। तो जितने भी जानवरों के अंगूठे की स्थिति विपरीत होगी, वो सभी क्या होंगे, प्राइमेट्स होंगे, है ना। और जो उंगलियां रहेंगी वो पाँच पाँच, हमारे भी उंगलियां क्या है, हाथ के पाँच है, पैर के पाँच है। तो ऐसे जो लक्षण जितने जीवों में पाया जाएगा वो सभी किस ऑर्डर में आएंगे, प्राइमेट्स में आएंगे। तो मनुष्यों में भी वही पाया जाता है, इसलिए वो प्राइमेट्स में आते हैं। अब कुल की बात करते हैं कि मनुष्य कौन से कुल में आता है, तो वो होमोनिडी में आता है। कुल का क्या नाम है मनुष्य का, होमोनिडी, मतलब द्विपाद चलन, मतलब कि दो पैरों से हम क्या कर सकते हैं, चलते हैं, है ना। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैर से ही चले, जैसे कि बंदर है तो वो हाथ और पैर दोनों का उपयोग करते हैं, मतलब द्विपाद होना ही चाहिए। तो जितने भी जीवों में इस प्रकार का होता है, तो उसका कुल क्या होता है, होमोनिडी। वंश क्या होगा, होमो, मतलब सुविकसित क्या पाया जाता है, मनुष्यों में मस्तिष्क पाया जाता है, इसलिए मनुष्य का जो वंश है वो कौन सा वंश होता है, होमो। और जाति क्या होती है मनुष्य की, सेपियंस। क्या जाति होती है, तो सेपियंस। और वंश और जाति इन्हीं दोनों से मिलकर बनता है वैज्ञानिक नाम, है ना। वंश और जाति दोनों मिलकर बनाते हैं वैज्ञानिक नाम। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस, है ना। पहला नाम, पहला अक्षर वंश होता है और दूसरा अक्षर क्या होता है, सेपियंस होता है। दोनों से मिलकर कोई भी जीव हो, उनकी वंश और जाति आपस में मिलकर उनका वैज्ञानिक नाम तय करते हैं। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, होमो सेपियंस, ठीक है। तो ये मानव का जो पदानुक्रम है उसको याद करना पड़ेगा आप लोग को, आप लोग का ये होमवर्क रहेगा।